कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो है मैंने लिया है 3 प्रोडक्ट फुल फेस मेकअप चैलेंज। यस यू आर राइट। तो आज मैं 3 प्रोडक्ट से अपना फेस का मेकअप करने वाली हूँ। आई नो मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या सोचना है? तो मेरे पास जो आज 3 प्रोडक्ट हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं। मैं प्रोडक्ट नंबर 1 के बारे में बता दूं, ये है स्टूडियो वेस्ट का, इसका नाम है नियॉन ऑन और ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। दूसरा है मेरे पास मस्कारा। आई गेस कि मैं इस प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकती। ये एक प्रोडक्ट है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और तीसरा प्रोडक्ट है मेरे पास मेबेलिन का क्ले क्रश 656 लिपस्टिक, शेड नंबर है समथिंग, मुझे इतना नहीं पता, मैं अभी ब्यूटी ब्लॉगर तो कतई नहीं हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा ब्लेंडर या ब्रश होना चाहिए। मुझे ब्लेंडर ज़्यादा पसंद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बता दूँ कि हम सब पे, मतलब हम सबके फेस पे निशान होते हैं, तो इसको छुपाना नहीं चाहिए। आई गेस कि ये, मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती तो मुझे नहीं पता। तो मुझे जब भागना होता है ना कहीं पे भी, मुझे कहीं जाना है, किसी से मीटिंग हो, तो मैं एकदम से हल्का हल्का सा ऐसा मेकअप करती हूँ और निकल जाती हूँ। वैसे मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस पे प्राइमर या तो अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र लगा ले। तो मेरे राइट आई के नीचे आप देख सकते हैं एक बर्थ मार्क है, जिसको मैं हाइड करना नहीं चाहती और ना मैं करती हूँ। आप जैसे हो आप परफेक्ट हो, है ना? तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ये लगा लिया मैंने। आप अपने गले पे भी इसको लगाना। अच्छा, मेकअप करने के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा रूल नहीं पता मैं, लेकिन इतना आपको बता दूँ कि जब भी मेकअप करो तो गले के ऊपर मेकअप, फेस के बाद ज़रूर लगाना। कैसी आवाज़ आ रही है मेरी? मैं बहुत ज़्यादा फुल कवरेज मेकअप सिर्फ और सिर्फ जब मैं शूट कर रही होती हूँ तब लगाती हूँ, और वो भी मेकअप दादा लगाते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है मेकअप का। मैं थोड़ा थोड़ा सा और अपने आँखों के पास लगा लेती हूँ ताकि मैं इसको कंसील कर सकूँ। तो मुझे स्टूडियो वेस्ट का ये जो न्यूड ऑन प्रोडक्ट है, फाउंडेशन प्रोडक्ट, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत लाइट वेट है और आपके फेस पे ना ये बिल्कुल भी, मतलब बहुत हैवी सा फील नहीं देता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये मैट हो जाता है इसको लगाने के बाद ना, पाउडर से सेट वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत अच्छा है। और ब्लेंडर की सबसे अच्छी बात होती है, अगर आप एक अच्छा ब्लेंडर यूज़ करो ना, आपका आधा काम तो वैसे भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। ये जो लिपस्टिक है ये ब्राउन और न्यू समथिंग है, ठीक है। तो मैं इससे ना अपना फेस थोड़ा कॉन्ट्यूर भी करूँगी, ब्लश भी कर सकते हैं आप, जो चाहे वो कर सकते हैं। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करें, जितने कम प्रोडक्ट से जितना कुछ कर सके वो सब कर लेना चाहिए इंसान को, है ना? तो आई गेस कि बस इतने से करके आपको दिखाती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो मुझे नहीं पता कैसे ब्रश या स्पंज से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग अपना मेकअप करते हैं, बट आप
देख सकते हैं यहाँ पे। या मेकअप ना खुद का फेस बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप जो हो बस उस पर थोड़ा बहुत हाइलाइट दे दो और क्या, बस ये मैंने नाक के साइड्स में लगाया और यहाँ किया, थोड़ा सा यहाँ डैब किया, थोड़ा इधर डैब किया, ठीक है। और बात आई लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अपने लिप्स पे मॉइस्चराइज थोड़ा कर लें, उसको अच्छे से लगाएं। मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, मुझे ब्राइट लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो एक लिपस्टिक से आप थोड़ा ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं लिपस्टिक की मदद से, आप लिपस्टिक भी लगा ही सकते हैं, लिपस्टिक से लिपस्टिक ही लगाओगे। और इससे पता है और एक और क्या कर सकते हो आप, लिपस्टिक के ही हेल्प से, सेम लिपस्टिक के हेल्प से आँखों के ऊपर ऐसे देखा हल्का हल्का शैडो के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। परफेक्ट, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट और परफेक्ट वाला मेकअप, अब मेरा फेवरेट। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं पता कैसे लगाते नहीं लगाते, लेकिन मेरे लिए मस्कारा लगाने का सबसे परफेक्ट तरीका है नीचे की तरफ देखो और ओ मैंने समझ कर लिया लगता है थोड़ा सा ठीक है, परफेक्ट। दूसरे आँख में भी इस तरीके से लगा लेते हैं। मेकअप जितना कम इस्तेमाल करो फेस पे उतना ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लेने के बाद आपकी शक्ल आपकी शक्ल नहीं लगती और बहुत फेक फील होता है। अजीब अजीब सी शक्लें बनने लगती है खुद ब खुद। ठीक है, कैसा लग रहा है? वाह। और मैं अपने आईब्रो को भी सेट कर लूँगी। मुझे मेरे आईब्रोज़ की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, मेरे आईब्रोज़ अपने आप इतने अच्छे हैं। और डन, मतलब अब थोड़ा ब्यूटी ब्लॉगर टाइप थोड़ा फील ले लूँ मैं, बाल बाल खोल के थोड़ा आप लोगों को दिखा लूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो फाइनली ये हो गया मेरा 3 प्रोडक्ट फुल फेस मेकअप चैलेंज डन। तो अब मैं आपको देती हूँ ये 3 प्रोडक्ट फुल फेस मेकअप चैलेंज। जी हाँ बिल्कुल, तो जाएं अपने दोस्तों को भी ये चैलेंज दे और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कृतिका @KRITIHKAH। तो आप जाएं ये चैलेंज अपने दोस्तों को दें और मुझे टैग करें। तो जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया मैंने उसके बारे में आपको बता देना है। मैंने सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है स्टूडियो वेस्ट का न्यूड ऑन मीडियम कवरेज फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन। दूसरा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है हाइपर कर्ल, मेबलिन का मस्करा है, काफ़ी अच्छा मस्करा है। और तीसरा मैंने मेबलिन का लिपस्टिक यूज़ किया है और शेड नंबर है 656 क्ले क्रश। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, फुल फील ले रही हूँ मैं भी ब्यूटी ब्लॉगर वाली। तो इस तरीके से मैंने ये किया है और ये स्पंज मुझसे मत पूछना ये किसका है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी अच्छा सा स्पंज, जो आपको अच्छा फील कराए, आपके फेस को अच्छा फील कराए और अच्छे से आपके मेकअप को ब्लेंड कर दे, तो आप बस उसको यूज़ कर लो। तो
तो इस तरीके से मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो बस इतना ही करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। और आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने फ्लॉज को छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने नहीं छुपाया है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बर्थ मार्क से, आप भी खुश रहें, आप जैसे हो वैसे, बस थोड़ा बहुत अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ अतरंगी सा करने के लिए आऊँगी मैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।